डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए क्लास टेंथ विषय संस्कृतम यानी कि संस्कृत विषय का हम असाइनमेंट दो का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माह सितंबर में आपके असाइनमेंट जारी किए गए हैं, ये आपको देना अनिवार्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए असाइनमेंट हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक अच्छी तरीके से आंसर बता रहे हैं। इनको आप अच्छी तरीके से लिखें कॉपी में, ओके। ये पूर्णांक 20 का है और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। किस प्रकार से करेंगे वो मैं वीडियो में बताऊंगा फुल प्रोसेस, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक श्लोक दिया है, जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है, वो भी संस्कृत भाषा में, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको दिया गया है श्लोक क्या है। अज्ञानेना व्रतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजते मित्राणि। इस प्रकार से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। हम इसके आपको आंसर, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। आवर्त या आवर्ता, ठीक है, इति पदस हिंदी भाषायाम अर्थ लिखा। जो आवर्ता है उसका आपको हिंदी भाषा का अर्थ लिखना है। तो चलिए, किसका आपका आंसर हो जाएगा, गिरा हुआ। पहले का आंसर हो जाएगा गिरा हुआ। आवर्ता का क्या होता है, गिरा हुआ। तो इसलिए आपको क्या कर लेना, गिरा हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा पूछा गया यहाँ पर, लोभा त्यजति मित्राणि इति वाक्यांश हिंदी भाषा है भावार्थ लेखक। जो आपको ये वाक्य दिया है लोभा त्यजति मित्राणि, इसको आपको हिंदी भाषा में भावार्थ यानी इसका अर्थ लिखना है, भाव क्या है। तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा, मित्रता में लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता में लालच नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। स्टूडेंट तीसरा देखते हैं, मित्राणि इति पदस्य विभक्ति वचनाम लिखा। जो मित्राणी शब्द दिया है, पद दिया है हमें, उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। मित्राणी एक नपुंसक लिंग है, ओके, और इसमें प्रथम पुरुष है और ये वचन कौन सा, एक वचन है। पुरुष पूछेगा तो प्रथम लिंग तो नपुंसक लिंग, वचन एक वचनम, ओके। अब हम इसके बाद जो देखिए, इसका चौथा लास्ट क्वेश्चन है, लोकस्त मसा इति पद संधि विच्छेद कुरत। यानी जो आपको ये पद दिया है क्या, लोकस्त मसा, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लोका प्लस तमसा, ये हो जाएगा लोका प्लस तमसा। इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और स्टूडेंट आपको बता दें, अगर अभी तक आपने क्लास टेंथ की हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ इत्यादि सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आप इनके सॉल्यूशन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और अन्य सब्जेक्ट की, ओके स्टूडेंट। इसकी PDF कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो के बीच में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि 8400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए, यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे आप अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT GV मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। प्राणी संस्कृत भाषायाम लिखा है ना, तो हमें संस्कृत भाषा में लिखना। पहला क्वेश्चन है का दमा प्रकीर्तिता, दूसरा क्वेश्चन है किन स्वच्छी घृतराम वायो, तीसरा है सुखानाम उत्तम किम, चौथा है युधिष्ठिरा कस्य प्रश्नानाम उत्तराणि अयच्छत। स्टूडेंट चलिए आंसर देख लेते हैं। स्टूडेंट अभी का खा गा का आंसर डाउट है, क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये आपको PDF में देखने को मिलेंगे। थोड़ा वेट करें, जैसे ही मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, वहीं से आपको इसमें PDF में थोड़ी देर बाद अपडेट कर दिए जाएंगे आंसर। जब तक हम घा का आंसर देख लेते हैं, युधिष्ठिर यक्षस प्रश्नानाम उत्तराणि अयच्छत, यानी युधिष्ठिर ने किसके प्रश्न दिए थे, यक्ष ने जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर दिए थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न तीन निर्देशानुसार धातु रूप परिवर्तन कृत्वा लिखा। आपको जो कुछ निर्देश दिए हैं उनके अनुसार हमें परिवर्तन करना है धातु में। पहला है ग्रहे वर्तन्ते, इसे हम लट लकार में चेंज करना है, ग्रहे वर्तन्ते, तो इसका हो जाएगा ग्रहे, ठीक है, पहले का ग्रहे वर्तन्ते लट लकार, तो क्या हो जाएगा ग्रहे, ओके। दूसरा देखिए खा अयम ग्रहकार करिष्यामि, हमें क्या
धातु रूप परिवर्तन करना है और लिखना है किसमें कौन सा है, लंग लकार देखना है, ठीक है, लड़ लकार या लंग लकार, ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द है तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा अयम ग्रहकारम ग्रहकार अकरोत, अयम ग्रहकार अकरोत, ये हो जाएगा आपका इसका अयम ग्रहकार करिष्यामि का क्या हो जाएगा अकरोत। ओके स्टूडेंट, चलिए तीसरा अभी थोड़ा डाउटफुल है, चौथा देख लेते हैं हम तब तक, ते विद्यालय मिले यू लट लकार, ते विद्यालय मिले यू, है ना। तो इसका चलिए देख लेते हैं गा का आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ते विद्यालय मिलंती, ते विद्यालय मिलंती, इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न चार, तो प्रश्न चार में देखिए अधोलिखितेषु वाक्यांश एकांगित पदेषु संधि विच्छेद संधि कृत्वा लिखत, हमें संधि विच्छेद या संधि कृत्वा उनकी संधि लिखना है, केषां तिरस्कार भवेत यानी तिरस्कार, तो कि पहले का चलिए देख लेते हैं आंसर थोड़ा, देखिए चौथा है हमारा, चौथे का पहला हो जाएगा तिरस्कार, तिरस प्लस कार, संधि विच्छेद बोला था तो तिरस प्लस कार कर देना है। ओके दूसरा यहाँ पर देखेंगे, दूसरा क्या है विमल जलम नदीसु विमल विमलम जलम राजते, है ना, तो विमलम जलम का क्या हो जाएगा विमलम प्लस जलम। ओके गा देख लेते हैं, स गच्छति ग्रामम, तो गच्छति का हमें संधि विच्छेद करना है, तो गच्छति का कर लेते हैं संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा स प्लस गच्छति। ओके चलिए लास्ट देख लेते हैं, बाल का पितुराज्ञा पालयति, ओके बाल का पितुराज्ञा पालयति, देखिए यहाँ पर डेड डच दिए उन्हीं की करना है संधि विच्छेद, अन्यथा आप गलत कर दें, ठीक है। आप सोच रहे हो गच्छति का तो गम प्लस ए सा क्यों आया, क्योंकि पूरा उसमें डैश है, इसलिए अब पितुराज्ञा का करना है, चलिए पितु प्लस आज्ञा, पितु प्लस आज्ञा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोष्टके प्रदत्ता शब्देषु केषाचिद चतुर्नाम व अभ्यय नाम चयन कृत्वा वाक्य प्रयोग कुरत, यानी आपको यहाँ पर ये कुछ अभ्यय दिए हुए हैं, अभ्यय नाम चयन करना है हमें और चार वाक्य लिखना है संस्कृत में, तो चलिए यहाँ पर हम चार वाक्य लिखेंगे। तो पहला हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, पहला है हया गुरुवासरा भविष्यति, ओके पहला वाक्य लिखिए, दूसरा मम ग्रहे एक धेनु अस्ति, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं उच्चे सा उच्चे वदति, ओके चलिए चौथा है बलि राम गृहस्थ भई गच्छति, ओके चलिए अब देखते हैं आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो गूगल ओपन कर लीजिए, जैसे ही आप गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स दिखता है, ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको सर्च करना है सीजी बोर्ड असाइनमेंट टू सॉल्यूशन क्लास टेंथ संस्कृत। ओके स्टूडेंट जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो ध्यान रखें आपको नीचे एस के टीच वेबसाइट देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा आपको और कहीं नहीं मिल रहा, तो आपको अगर मान लीजिए वेबसाइट देखने को नहीं मिलती है तो लास्ट में आपको लिख देना है एस के टीच, है ना। जैसे ही आप एस के टीच लिख देते हैं तो यह वही की वही पी डी वहाँ पर आप सीधे पहुँच जाएंगे, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और पी डी एफ डाउनलोड कर लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ मिनटों बाद यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी पी डी एफ, क्योंकि उसमें कुछ आंसर रह गए थे तो पूरा सॉल्यूशन आपको देना है। आइए वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।